हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड बैक्टीरिया की, जिनको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होते हैं गुड बैक्टीरिया, क्या क्या इनके यूजेस हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, यही सब आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमारा फोकस लैक्टोबैसिलस गुड बैक्टीरिया पर ही रहेगा और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे बाइफिडोबैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या होते हैं गुड बैक्टीरिया? तो गुड बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे गास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट अराउंड 100 ट्रिलियंस गुड बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं या रिसाइड करते हैं। अब इतने ज़्यादा बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में है तो डेफिनेटली ये एक वेराइटी के तो नहीं होंगे, इसमें बहुत सारी वैरायटी के बैक्टीरिया, बहुत सारे स्ट्रेंस बैक्टीरिया की हमारी जीआईटी ट्रैक में मौजूद होती है। मगर हमारे वीडियो का फोकस कुछ खास इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया पर ही है, तो मैंने गुड बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो गुड बैक्टीरिया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो है लैक्टोबैक्टीरिया। इसी को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। दूसरा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बाइफिडोबैक्टीरिया, इसको हम बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आता है इस कैटेगरी में, वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लैक्टोबैक्टीरिया पर रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लैक्टोबैक्टीरिया से। लैक्टोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? तो फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और खास तौर पर अगर इसकी बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ये पाया जाता है। और यही लैक्टोबैक्टीरिया आपके योगर्ट और डाइटरी सप्लीमेंट में भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, क्या क्या इसके फंक्शंस है और क्यों हमारे लिए सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, इम्प्रूव डाइजेशन। अब कैसे ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है? तो एक्चुअली ये लैक्टोबैक्टीरिया एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। और ये जो लैक्टेज एंजाइम है, ये लैक्टेज एंजाइम हमारे मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होता है, इस लैक्टोज शुगर को ये लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज शुगर। और आपको पता है लैक्टोज शुगर जो है एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोबैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन लैक्टोबैक्टीरिया का है वो है मैन्युफैक्चर विटामिंस। आपको जानकर के आश्चर्य होगा हमारी गास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये लैक्टोबैक्टीरिया ही है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, फोलिक एसिड, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग ये लैक्टोबैक्टीरिया करता है। और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट विटामिन ये सिंथेसाइज करता है, इसको हम बोलते हैं विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन लैक्टोबैक्टीरिया का है, इट बूस्ट इम्यूनिटी। कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? तो एक्चुअली लैक्टोबैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ये एसिड का सिंथेसिस करते हैं या एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी एंड वायरस सर्वाइव नहीं कर पाते, इस वजह से ये बैक्टीरिया, फंगी और वायरस किल हो जाते हैं। साथ साथ में ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये एक एसिड भी सिंथेसाइज करता है। और कौन सा एसिड? तो ये सिंथेसाइज करता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ ये बनाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज कर देता है या उनको किल कर देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक तरीके से एंटीबायोटिक का रोल प्ले करता है। तो आइए कुछ यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो लैक्टोबैक्टीरिया का जो जनरल यूज है वो
कई सारे डिसऑर्डर को ट्रीट करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर जो लैक्टोबैक्टीरिया है ये डायरिया को ट्रीट करने में काम में लाया जाता है, और खास तौर पे ट्रेवलर्स डायरिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो चिल्ड्रंस के अंदर भी ये डायरिया को ट्रीटमेंट में काम में लाया जाता है। और कौन सा डायरिया, तो खास तौर पे जो डायरिया रोटा वायरस की वजह से होता है या फिर एंटीबायोटिक की वजह से या एंटीबायोटिक के यूज की वजह से जो डायरिया होता है उसके ट्रीटमेंट में ये लैक्टोबैक्टीरिया इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इसका तीसरा यूज है बच्चों के अंदर कोलिक पेन होता है। कोलिक पेन जब बच्चों को होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्राइंग करता है, इस कोलिक पेन को भी ये ट्रीटमेंट में लाया जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसको हम शॉर्ट में IBS भी बोलते हैं, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये सारे लैक्टोबैक्टीरिया के यूजेस हुए। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा पार्ट वन। इसके बाद पार्ट टू में हम बाइफिडोबैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस की बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।